अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ निसार हुसैन। तो आज हम आपके लेके आए हैं ओल्ड दिल्ली का एक बहुत ही फेमस डिश जिसका नाम है चिकन चंगेजी। आज हम आपको दिखाएंगे चिकन चंगेजी आप घर पे कैसे बना सकते हैं बिल्कुल कम टाइम में और बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो है बेल आइकन भी दबाएँ ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए और आप हमारा हर एक वीडियो आने वाला देख सकें। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये हमने पहले चिकन ले लिया, चिकन को हमने काट के अच्छे तरीके से धो लिए, हमने चिकन के यहाँ पे 8 से 10 पीस कर लिए एक चिकन के। अब जो है चिकन के लिए एक बर्तन ले लिया हमने यहाँ पे, ये जो चिकन है इस बर्तन में हमें डालना है। अब इसके ऊपर कुछ स्पाइसेस हम डालेंगे, हमने पहले साल्ट डाला 1 टेबल स्पून और साथ में जो है रेड चिली पाउडर डालेंगे हम। देगी मिर्च यहाँ पे डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून, देगी मिर्च से जो है कलर आ जाता है और देगी मिर्च जो है स्पाइसी भी नहीं होती है। तो डाल देंगे हल्दी 1 टेबल स्पून और डाल देंगे इसमें ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून और डाल देंगे साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। तो और ऊपर से जो हम इसमें दही का 1 कप डालेंगे। तो इसको जो हमें मैरिनेट करना है आधे घंटे के लिए। तो ये देखिए जी, और यहाँ पे हम जो है 20 से 25 लोगों के हिसाब से चिकन बना रहे हैं। तो आपको एक पोर्शन की जो रेसिपी है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पूरे इन्ग्रीडियंट्स के साथ। ये देखिए जी, इस तरह से जो है मिलाना है, इसको मैरिनेट करके रख देना आधा घंटा। जब तक चिकन मैरिनेट होगा तब तक हम इसके लिए ओनियन काट लेंगे यहाँ पे। इस तरह से जो है हमें ओनियन की कटिंग करनी है। ओनियन हमने यहाँ पे 1 kg लिया है। तो इस तरह से जो हमें जुलन कटिंग में ओनियन काटने हैं। तो कट चुके ओनियन, तो ये देखिए जी बिल्कुल पतले पतले। इसके बाद हम टमाटो लेंगे 1 kg। तो टमाटो को हमने पहले धो लिया अच्छे तरीके से, इसके बाद जो हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से जो हमें साइड इसका निकाल देना है और इसकी भी जो हमें जुलन कटिंग करनी है। तो इसी तरीके से जो हमें सारे टमाटर काटने हैं। तो कट चुके टमाटर, इसके बाद हम एक लगन लेंगे। लगन में जो हमें ऑयल डालना है 2 लीटर हम यहाँ ऑयल के डाल रहे हैं। तो हल्का सा ऑयल गर्म हो जाएगा, इसमें हम जो है ज़ीरा ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून होल ज़ीरा और साथ में जो है चॉप गार्लिक 2 बड़े चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे। जैसा ही गार्लिक हमारा ब्राउन हो जाएगा इसके अंदर हम ऑनियन ऐड कर देंगे। तो ये देखिए जी, कर लिया हमने ऑनियन ऐड। 3 से 4 मिनट के लिए हमें ऑनियन को भूनने लगन के अंदर। इसके बाद हमने जो है टमाटर ऐड कर देने इसके अंदर। अब जो टमाटर को भी भूनने 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद जो हमें काजू ऐड कर देना इसके अंदर 150 ग्राम। तो इस तरह से जो है भूनने हमें ये टोटल 10 से 15 मिनट के लिए। जो है हम भून लें इसकी हमें जो है ग्रेवी बनानी है। हमने थोड़ा सा साल्ट भी ऐड कर दिया, ये देखिए जी। अब जो हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, देगी मिर्च डाल रहे हैं हम 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून और इसमें धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। तो इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से मसालों को। अब जो हमें इस मसाले को जो है पीसना है मिक्सी के अंदर ठंडा करके, अच्छे से मिला के इसको जो हम ट्रे में निकाल देंगे। ये देखिए जी, तैयार हो चुका है हमारा मसाला। अब जो हम इसको ट्रे में निकाल रहे हैं, तो ये हमने ट्रे में निकाला, इसको जो है ठंडा करना है, फिर मिक्सी के जग में हमें जो है पीसना है, इसका जो पेस्ट बनाना है हमें, तो इसी की हमें जो है ग्रेवी बनानी है फिर। तो ये देखिए जी, फिर हमने वही लगन ले ली। तो इसमें जो हमने गार्लिक डाला 2 टेबल स्पून गार्लिक हमने यहाँ पर डाले और साथ में जो हम इसमें देगी मिर्च डाल देंगे 1 टेबल स्पून। तो हल्का सा गार्लिक को ब्राउन करेंगे। तो इसके अंदर हम जो है चिकन ऐड कर देंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था पहले। ये देखिए जी, चिकन हमने डाला, चिकन को भूनना है अच्छे तरीके से 8 से 10 मिनट के लिए। जब तक चिकन हमारा तेल नहीं छोड़ देता है तब तक चिकन को हमें कंटिन्यू भूनना है। ये देखिए जी, चिकन ने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिए। अब जो हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे 1/2 लीटर पानी ऐड करके हमें जो इसको हाई फ्लेम पर जो है पकाना है 8 से 10 मिनट के लिए। फिर से पकाना है हमें इसको ताकि चिकन हमारा जो है अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए जी, चिकन ड्राई भी होने लग गया है, पक चुका है हमारा चिकन। तो अब जो हम इसके अंदर ग्रेवी ऐड करेंगे जो हमने पीसी हुई है इसके लिए, ओनियन टमाटो काजू की जो ग्रेवी हमने पहले बनाई है। ये देखिए जी, ये ग्रेवी है पीस के ला लिया हमने। अब जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, तो ये हमने ग्रेवी इसके अंदर ऐड की। अब ग्रेवी डाल के हमें इसको फिर से 8 से 10 मिनट तक पकाना है अच्छे तरीके से। तो ऊपर से थोड़ी सी मेथी डाल देंगे और डाल देंगे कुकिंग क्रीम हम इसमें, थोड़ा सा बटर डाल दिया हमने।
कुकिंग क्रीम हमने यहाँ पे 4 टेबलस्पून लिए और साथ में हरा धनिया डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा सा साल्ट डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। तो हो चुका है चिकन चंगेजी रेडी। ये देखिए जी, ऊपर से थोड़ा सा हम इसमें घी डाल देंगे। तो अब जो हम इसको सर्व करने जा रहे हैं, तो हो चुका है चिकन चंगेजी रेडी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर।